नमस्कार, खबर दिनभर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे खंडवा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। खंडवा में लोडिंग वाहन में आग लग गई। इंदौर रोड पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। तत्काल किसी ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को इस बात की इत्तला दी। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। खंडवा का यह पूरा घटनाक्रम। खंडवा में इंदौर रोड पर एक लोडिंग गाड़ी में आग लगी। आग तेजी से फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आग लगी, ये दरअसल एक लोडिंग गाड़ी थी। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। आग लगी और देखते ही देखते इसने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। तत्काल फायर फाइटर्स यहां पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड यहां पर पहुंची, पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और फिर कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश में मंगलवार को शहर शहर आग का कहर देखने को मिला। तस्वीरें जबलपुर, मैहर, खंडवा, भोपाल, टीकमगढ़ और भिंड के हम आपको दिखाएंगे। जबलपुर दमोह रोड पर अचानक कार में आग लगी। कार देखते ही देखते आग के शोलों में तब्दील हो गई। हालांकि जब हम गए, जब इस ये तस्वीरें आई, तब तक ये शोला बुझ चुका था। मैहर में ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। ट्रॉली में रखी कटी हुई फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई। खंडवा में सड़क पर चलती कार में आग लगी। वहीं भोपाल में शरारती तत्वों ने चार गाड़ियों को फूंक दिया। टीकमगढ़ में भी एक कार आग का गोला बन गई। दमकल ने इस पर काबू पाया। वहीं भिंड में एक किराना दुकान में भीषण आग लगी। ये छह तस्वीरें, शहर शहर आग का कहर। मुरैना में एक तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी बाइक को टक्कर मार दी। बाइक के पास खड़ी महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने ट्रक में आग लगा दी। ट्रक धू धू कर जलने लगा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में मामला कायम कर सिविल लाइन थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। दुर्ग में कोयले से भरी मालगाड़ी में आग लगी। कोयले से भरे वैगन में आग लगी और इसके बाद दमकल विभाग यहां पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। भिलाई नगर स्टेशन पर इस वैगन में आग लगी। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। इधर बिलासपुर में अकबर खान को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस का नेता अकबर खान, सेशन कोर्ट ने इसकी जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जमानत मांगी जा रही थी, सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। अकबर खान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है और जमीन बेचने के लिए प्रताड़ना का आरोप है। सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, कांग्रेस नेता अकबर खान है जिन्होंने जमानत आवेदन जो है सेशन कोर्ट में लगाई थी, याचिका लगाई थी जिसमें जमानत के लिए लगाया था, वो उसे निरस्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य कारण इन्होंने बताया था। और बता दें कि ये पूरा जो मामला है सरकंडा थाना क्षेत्र का है, जहां पर जमीन बेचने के लिए प्रताड़ित करने और उसके बाद जो युवक है वो आत्महत्या कर लिया था, जिसके बाद से इनके ऊपर FIR दर्ज की गई थी और इनकी तलाशी ली जा रही थी। चूंकि अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, तो ये जमानत के लिए एक याचिका लगाया था जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। एक बड़ा झटका लगा है कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता को। और पूरा जो मामला है जमीन की खरीदी बिक्री का मामला है और एक युवक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का पूरा मामला पुलिस ने दर्ज किया है। और इस पूरे मामले पर जब इसे कोर्ट में पेश किया गया है, जमानत याचिका इन्होंने लगाई अपने स्वास्थ्य कारणों को बताते हुए, उसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर कांकेर से, जहां दुर्दांत नक्सली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। शंकर राव, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। शंकर राव के पास रुपए के बंडल ये मिले थे, उनमें 1 लाख से ज्यादा रुपए हो सकते हैं, यह भी साफ नहीं हो पाया है। 25 लाख का इनामी था शंकर, मुठभेड़ में ढेर किया गया था। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है।
के समय में जो एक बॉडी में तो कुछ कैश मिला है और कुछ एम्युनिशन भी मिला है, वो पूरे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के द्वारा जब्त कराकर इसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया। सर कितनी की रकम है? तो डॉक्टर द्वारा गिना नहीं गया है, वो बंडल को एज इट इज सील करके पुलिस को दिया गया है, जैसे पोस्टमार्टम में होता है जो अन्य सामान सील करके दिया जाता है वैसे ही दिया गया है। लगभग बड़ी रकम छोटी हो सकता है ज़्यादा, क्योंकि दो बंडल थे उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि दो बंडल कैश है करके, तो हो सकता है 1,00,000 का हम अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने डॉक्टर ने खुद उसको सील करके दिया है। और इधर जशपुर की बात करेंगे, मानव तस्करी के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पति पत्नी मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। इन दोनों पर तस्करी के ही कई मामले दर्ज है। एक ही परिवार के 3 बच्चों को बेचने का इन पर आरोप है। शादी का लालच देकर 2 नाबालिगों को इन्होंने बेच दिया, 2 नाबालिग बच्चियों और उसके छोटे भाई को बेच दिया। एक आरोपी इस मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। इधर खंडवा में ढाबे पर वेटर से बेरहमी से मारपीट की गई, और वजह क्या थी? खाना लाने में देरी हो गई, इस पर 5 युवा जो थे वो भड़क गए और जमकर इसे पीटा। भोजाखेड़ी स्थित ढाबे का ये पूरा मामला लात घूंसे और डंडों से इसे पीटा गया। मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। केस दर्ज कर लिया गया है, आरोपियों की तलाश की जा रही है और CCTV फुटेज के आधार पर इन्हें पकड़ने की कोशिश हो रही है। इधर कवर्धा में चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर 3 कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं। इसमें 2 शिक्षक हैं, 1 प्रधान पाठक है, इन्हें निलंबित किया गया है। निर्वाचन ट्रेनिंग में नहीं पहुंचने पर कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने यह सख्त कार्रवाई की है। जबलपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। महिला ने हेलमेट चेकिंग के दौरान रोकने पर सड़क पर बवाल मचा दिया। महिला के ड्रामे से परेशान होकर थाना प्रभारी ने महिला के सामने हाथ जोड़ लिए। पुलिस और महिला के विवाद का ये वीडियो सामने आया। तस्वीरों में नजर आता है कि पुलिस महिला कर्मियों के सामने महिला जोर जोर से रो रही है। हेलमेट ना पहनने की वजह से पुलिस ने इसे रोका था। पुलिस की चालानी कार्रवाई देखकर महिला ने ड्रामा शुरू कर दिया। पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगा दिए। महिला की ड्रामेबाजी देखकर पुलिस ने बिना चालान के इस महिला को रवाना कर दिया। ग्वालियर में भाजपा नेता राजा भैया गुर्जर से मारपीट के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महाराजपुरा पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपी शैलेंद्र तोमर और आशु तोमर को पकड़ लिया है। शनिवार की शाम आरोपियों ने कार हटाने की बात को लेकर राजा भैया के समर्थकों से मारपीट की। इस दौरान राजा भैया बीज बचाव करने आए, उनके साथ भी मारपीट की गई। पुलिस के मुताबिक ये तात्कालिक विवाद था। आरोपियों से राजा भैया का कोई लेन देन या पुरानी रंजिश नहीं थी। महाराजपुरा पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। न्यू जनकपुरी में शनिवार रात ये मारपीट हुई और उसका CCTV फुटेज भी सामने आया था। खरगोन में अवैध शराब निर्माण के ठिकानों पर आबकारी विभाग और लोकसभा चुनाव को लेकर गठित STF की टीम ने दबिश दी। इस दौरान टीम ने अवैध शराब भट्टियों को जमींदोज किया। खरगोन जिले के कसरावद इलाके के भीलगांव और पानवा में 18,00,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। आबकारी और STF की टीम ने महुआ लहान भी नष्ट किया। इस दौरान टीम के पहुंचने की भनक लगते ही आरोपी जंगल के रास्ते फरार हो गए।
मंदसौर पुलिस ने आचार संहिता के दौरान वाहन चेकिंग अभियान में एक कार से 1,03,00,000 की नकदी और 4 किलो चांदी जब्त की है। कार के ड्राइवर मुकेश ओंकार लाल धनगर को हिरासत में लिया गया, पूछताछ इससे की जा रही है। मंदसौर के कचनारा का ये रहने वाला है। ड्राइवर ने बताया कि चांदी और नकदी मंदसौर के सराफा जो व्यवसायी हैं विशाल मनोहर लाल उनकी है। मिली थी कि MH-47 पासिंग गाड़ी है, किया गाड़ी से कुछ लोग कैश भारी मात्रा में लेकर जा रहे हैं, तो उसकी सूचना पर घेराबंदी की गई, उनका पीछा करके पकड़ा गया और जिनसे करीब 1,03,00,000 रुपए कैश और 4 किलो चांदी मिली है। दतिया के शिक्षा विभाग में 3-4 महीने पूर्व करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति का घोटाला हुआ, इसकी जांच के नाम पर शिक्षा विभाग ने घोटाले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। शिक्षा विभाग दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, इससे विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। दरअसल भांडेर ब्लॉक में कुछ स्कूलों में प्राचार्य और शिक्षा विभाग के बाबुओं ने छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति अपने खुद के खाते में या फिर अपने रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर दी। जब न्यूज 18 ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से घोटाला करने वालों पर कार्रवाई का सवाल किया तो वो बगलें झांकने लगे। दो तीन महीने पहले एक छात्रवृत्ति घोटाला उजागर हुआ था जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। इसमें शिक्षा विभाग मामले की गंभीरता से जांच नहीं कर रहा है और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जबकि मामला उजागर हुए 2-3 महीने का समय हो चुका है। इससे ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की भी मिली भगत हो सकती है और अपने नुमाइंदों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रवृत्ति घोटाले की अभी इसमें FIR दर्ज कराई गई है एक्चुअली जो है। अब इसमें प्रथम दृष्टया तो 2-3 लोग दोषी हैं, इसमें एक बाबू निलंबित हो गया है और संबंधित बाबू को इसमें निलंबित कर दिया गया है, प्रस्ताव गया है और संबंधित विकास अधिकारी कार्रवाई के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। धार के कुक्षी थाना इलाके में महिला तांत्रिक की ठगी का मामला सामने आया। महिला तांत्रिक की शिकार कई महिलाएं हुई जिनसे लाखों रुपए की ठगी की गई। तांत्रिक महिला ने महिलाओं को रुपए 100 गुना करने का झांसा दिया। महिला तांत्रिक के शिकार हुई महिलाओं ने पुलिस से शिकायत की। महिलाओं ने बताया कि वो रात में शमशान घाट पर बैठती थी। पुलिस इस पूरे मामले में खामोश है, कुछ भी बताने को तैयार नहीं। एक लाख रुपए किए जाएंगे। कह दिया कि तुम शाम को रामपुरा मसान में आ जाना और हिजड़ों की मसान में आना, वहाँ पे करवाऊंगा, तो तुम आ जाना इतनी रात के, कितनी घड़ी के, 9 बजे रात के। तो हम 9 बजे रात के पहुँचे, तो उस दौरान आप जब पहुँचे तो आपने कितनी राशि दी? हाँ, हमको झोला दिया, उसमें ताला लगा दिया उसने और 9 दिन के रोज कन्या जी माना, ऐसी बोली वो माता जी आई थी तो इसने बोला कि 50,000 के 50,00,000 दो और एक लाख के 1 करोड़ दो। तो 1 करोड़ 1 लाख कर दे, 1 करोड़ दे दूंगी तेरे को करके बोले। तो वो रामपुरा मसान में बुलाई। और अब बात इंदौर की, जहां पुलिस ने गुंडों का जुलूस निकाला, सरेआम उठक बैठक लगवाई। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आई ये बदमाश बीती रात सदर बाजार इलाके में एक नाबालिग समेत कई लोगों पर जानलेवा हमला करने के आरोपी थे। रीवा और मंडला जिले में मौसम ने करवट ली है। दोनों जिलों के कई इलाकों में बारिश के साथ साथ ओले गिरे। रीवा के त्योंथर तहसील के मनिका समेत ज्यादातर इलाके में 100 ग्राम तक बड़े ओले गिरे हैं। मंडला में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, लोगों को गर्मी से फौरी राहत मिली, मौसम सुहाना हो गया।
शिशु मंदिर निवास ओले गिर रहे हैं। इंदौर में हनुमान जयंती के मौके पर 7 कलाकारों ने 72 घंटे में हनुमान जी की एक खास आकृति बनाई। एक निजी मॉल में 26,000 पीतल की घंटियों से 25 फीट ऊंची बजरंग बली की खूबसूरत आकृति बनाई गई है। इस आकृति को बहुत जल्द अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा। हनुमान जयंती के अवसर पर इंदौर में 26,000 घंटियों से 25 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की आकृति तैयार की गई है। इन तस्वीर को आप देख सकते हैं, हनुमान जी बड़े सुंदर हनुमान जी इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। लेकिन हनुमान जी की ये परछाई जो है, ये जो आकृति है, वो घंटियों से बनाई गई है। पीतल की जो छोटी छोटी घंटियां हैं उनसे इनका निर्माण किया गया है, इन आकृतियों को बनाया गया है। और लगभग ये 26,000 पीतल की घंटियां हैं और इसे बनाने में लगभग 72 घंटे का समय लगा है। 7 कलाकारों ने 72 घंटे में तैयार किया है। 26,000 पीतल की घंटियों से हनुमान जी की ये प्रतिमा बनाई गई है जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और सबसे खास बात है, ये जो आकृति बनाई गई है यहाँ से अयोध्या भेजी जाएगी, यानी भगवान राम मंदिर के दरबार में ये जो आकृति है इसे वहाँ पे विराजमान किया जाएगा। लोग सुबह से ही भगवान हनुमान जी की इस आकृति को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देश का सबसे स्वच्छ शहर जो अलग अलग नवाचारों के लिए पहचाना जाता है, हनुमान जयंती के खास मौके पर भी एक खास तरीके से हनुमान जी की आकृति को डिजाइन किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। हनुमान जयंती पर भोपाल में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत काली मंदिर से हुई। पुराना भोपाल बुधवारी इलाके से होते हुए चारबत्ती चौराहा, इतवारा, मंगलवारा, हनुमानगंज, यहां से होते हुए बस स्टैंड होते हुए सिंधी कॉलोनी स्थित मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। हनुमान जयंती पर देश भर में भव्य शोभाएं यात्राएं निकाली जा रही हैं और इस वक्त हम भोपाल के इतवारा में हैं और बुधवार, और ये जो इलाका है यहीं से जो यात्रा शुरू हुई है, भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और यहाँ से अगर हम जिक्र करें, ये काली मंदिर यहीं से यात्रा शुरू होकर, शोभा यात्रा शुरू होकर आगे पुराने भोपाल के कई और इलाकों में जाएगी। जो इलाके अगर हम बता दें आपको, बुधवारा ये चौराहा है, इसके बाद चार बत्ती चौराहा होगा, इतवारा होगा, मंगलवारा, हनुमानगंज, छोटे भैया कॉर्नर और बस स्टैंड होते हुए सिंधी कॉलोनी स्थित अलग अलग इन जगहों पर ये शोभा यात्रा जाएगी, निकाली जाएगी। और काफ़ी करीब 2 घंटे का वक्त इसमें लगेगा। अगर हम जिक्र करें 2 घंटे तक पुराने भोपाल से होते हुए ये पूरी शोभा यात्रा गुजरने जा रही है। जगह जगह इस शोभा यात्रा का फूलों से स्वागत भी होगा। और एक अच्छी बात ये है इस शोभा यात्रा की कि बता दें आपको कि इससे अलग अलग समुदाय भी इस शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं, जिनमें मुस्लिम भी होते हैं। मुस्लिम इलाकों से जब ये शोभा यात्रा गुजरती है हनुमान जयंती के इस खास मौके पर, तो घरों से, छतों से फूल बरसाए जाते हैं। ये दरअसल एकता की मिसाल के तौर पर भी इसे जाना जाता है। आगे और अब ये पीछे जो बैंड है, अगर हम कहें इसके ज़रिए, अब बहुत दूर तक भारी संख्या में करीब हज़ारों लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। और इस बार भी करीब 50,000 से ज़्यादा लोग इस यात्रा में शामिल हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 भोपाल। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।